हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ एनओएस के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो। दोस्तों अगर आपको एडमिट कार्ड लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या आपको प्रैक्टिकल के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो डली हुई है। पर दोस्तों आज हम बात करते हैं सोशोलॉजी के बारे में, जो आज का टॉपिक है लड़कों की दिक्कत आ रही है सोशोलॉजी को लेके। दोस्तों इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बनाया था और आपका इंग्लिश के ऊपर बनाया था, तो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। मैं सारे सब्जेक्ट्स की आपकी धीरे धीरे करके लाता रहूँगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर इस वीडियो को जिसने देख लिया तो उसके मान लीजिए आप 80 से अबव मार्क्स आ सकते हैं। मैं सोशोलॉजी के सारे टॉपिक कवर कर दूंगा केवल 20 क्वेश्चन में। जी हाँ, अगर आपने 20 क्वेश्चन उसको पढ़ लिए तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 70 से 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले आप एक पेन और नोटबुक ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पेन और नोटबुक ले लीजिए। जी हाँ, आप आ गए हो तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, ताकि हम मुझे भी अच्छा लगे। तो फिर आज शुरू करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन बताना, व्हाट आर द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स विच वर इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी। मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है कि उन्होंने किस तरह से निचले तबके जो लेबर वर्कर होते हैं उनके बारे में क्या क्या काम करा है, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है सोशोलॉजी में। दोस्तों मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा और समझाऊंगा थोड़ा, आपको चेक करना होगा, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, गूगल पे देख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। पर मैं आपको 20 क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा, अगर उन्होंने आपको गूगल पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। केवल मैंने पूरी पढ़ रखी है सोशोलॉजी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन कवर करे हैं। सर्वे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे यूज्ड बाय सोशोलॉजिस्ट इन देयर रिसर्च। तो दोस्तों इसमें बताना है सोशल सर्वे के बारे में, सोशल सर्वे होता क्या है और सोशोलॉजिस्ट किस तरह प्रकार के इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों फिलहाल आपको क्वेश्चन लिखने हैं, 20 क्वेश्चन लिखिए, गूगल में सर्च करना पड़ेगा, बाद में यूट्यूब में करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है आपको। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। जो सोशल ग्रुप होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। आप इसको इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप। जो मैंने बताया था अभी दो टाइप के होते हैं, सोशल ग्रुप के बारे में आपको लिखना है कि सोशल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, क्या महत्व होते हैं, आपको सब लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लें, स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई, वो कितने टाइप की होती है, आपको उसके बारे में लिखना है। इंडिया में कॉमन है, होती रहती है, सब लिख देंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्युलेशन, इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, इसका आपको गूगल पे मिल सकता है। मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको केवल समझा सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आठवें क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली फॉर मैरिज ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू। जी मैरिज के बारे में बताना, कितने टाइप की होती है मुस्लिम एंड हिंदू की। ज़्यादातर मुस्लिम के बारे में आता है, हिंदू की वैसे 8 होती है, मुस्लिम की 4 तरीके की होती हैं, जानते होंगे आप। नौवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फैमिली एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली। मतलब फैमिली का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये आपको लिखना है। दसवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, व्हाट इज सोशल चेंज एंड इट टाइप। सोशल चेंज मतलब समाज में बदलाव, समाज में बदलाव को ही सोशल चेंज कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के एजेंट बताने हैं आपको, ये बुक में मिल जाएगा, टॉप 20 की बुक मैंने जो रिकमेंड करी थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 12वां, व्हाट इज नीड ऑफ सोशल कंट्रोल एंड रिलीजन प्ले इन सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का रोल क्या है, रिलीजन का क्या रोल है इसमें, ये लिखना है। 13वां, एक्सप्लेन फोर वेदा, जो हमारे 4 वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, श्याम वेदा, इनके बारे में लिखना है आपको। 14वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बुद्धिज्म एंड फोर रूल ऑफ बुद्धिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कि बुद्धिज्म के बारे में बताइए और 4 रूल बताइए बुद्धिज्म के बारे में। आप इसे पढ़ सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ। और 15वां क्वेश्चन पे आता है, डिफाइन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है, यानी कि एक ही धर्म को जो ज़्यादातर फॉलो करते हैं वो कम्युनिज्म में आते हैं, इसे कम्युनिज्म कहते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कास्ट रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड रोल ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। बिरादरी क्या होती है, इसका रोल क्या होता है पॉलिटिक्स में, इसके बारे में लिखना है आपको। 17वां क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध एंड महावीर जी। इसमें आपको जरूर 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, इन चारों में से आपको चारों के बारे में पढ़ना है और चारों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा आपको।
18वें क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, यानी पॉपुलेशन हमारे इंडिया की 132 करोड़ हो गई है तो एक्सप्लोइटेशन हो गई है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी फेस बाई शेड्यूल कास्ट, जो छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं उनको अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में आपको लिखना है, जो कि बहुत गलत है। 19वें क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। वाई डू पेरेंट किल देयर अनबोर्न डॉटर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है उसके बारे में है ये, कि डॉटर लड़की को क्यों मार दिया जाता है। और हाउ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर, कि आपका रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन किस तरह करता है। आखिरी क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, ये 8-9 तरह के हैं, इसमें आपको 3 मिल जाएंगे, यानी कि 15 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। इसको पढ़ना है आपको, मैं आपको 9 बताऊंगा, 9 में से आपको 3 डेफिनेटली मिलेंगे। इसमें इकोनॉमी के बारे में आपको लिखना है, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के बारे में आपको लिखना है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। सोशल पोजिशन के बारे में आपको पढ़ना है, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ट्रूमन टाउंट्स के बारे में पढ़ना है, वेग्रेसी के बारे में, डेलिक्वेंस, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वॉयलेंस यानी घरेलू जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और आप कमेंट कर दें अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको नंबर भी दूँगा अपना, टेंशन मत लिए, सब्सक्राइब कर दे बस।